जी पीएफए ने ट्रैप लगा करके उनको उनके लोगों को पकड़ा है। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबराज हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है, संगीन जुर्म माना जाता है, शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। आज बेहद दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि एल्विस यादव जो बिग बॉस के विजेता रहे हैं, उनके घर में रेप पार्टी उन्होंने रखी थी, और उस रेप पार्टी में पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर जब वहां पे रेड किया गया तो वहां पे कुल मिलाकर के 9 सांप मिले, जिसमें आपके पास उनके घर से स्पेक्टिकल कोबरा, रेड सैंड बोआ, रैट स्नेक, एक पाइथन भी मिला है, और जहर के कुछ क्वांटिटी भी मिले हैं अराउंड 20 ml के करीब में। तो ये सारी चीज़ों को अगर मैं बताना चाहूँगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक प्रतिबंधित है। अगर मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से सेक्शंस इनके ऊपर में लगेंगे, तो ये जितने भी सांप हैं ये सारे शेड्यूल 1 में आते हैं। तो शेड्यूल 1 एनिमल है ये, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार अगर आप किसी जानवर को अपने पास रखते हैं या उसको पकड़ते हैं तो वो हंटिंग के में आता है, तो सेक्शन 2 में जाएगा। सेक्शन 2 के अलावा पोजेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वो सेक्शन 30 में जाता है आपका। इनके पास कहीं ना कहीं तरीके से आया होगा आपका सांप, तो वो सांप जो आता है वो ट्रांसपोर्टेशन में काउंट होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ शेड्यूल विदाउट परमिशन जो होता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, वो सेक्शन 40 में आता है आपका। इसके अलावा आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी उनके ऊपर में लगना चाहिए। कुल मिलाकर के उनके ऊपर में 5-6 सेक्शंस जो है वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार लगना चाहिए। और जहर का उन्होंने इस्तेमाल किया है तो वो एज अ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है, इसके हम लोग आर्टिकल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो पोजिशन ऑफ आर्टिकल जो होता है वाइल्ड लाइफ का, वो भी जो है एज अ प्रोडक्ट के रूप में भी आप उसे काउंट कर सकते हैं। तो ये भी रखना जो है गैरकानूनी है, और इसका इस्तेमाल वो नशे के लिए कर रहे थे। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो सांपों का जहर अगर आप सही क्वांटिटी में अगर ले रहे हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन करें, तो वो मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पर अगर आप खुद से उसे ले रहे हैं तो अगर आप डोज में थोड़ा सा भी अगर आप ज़्यादा कर देते हैं तो आपके लिए फेटल हो सकता है। तो जो भी लोग हैं जो फॉलो करते हैं या कुछ ऐसा सोच रहे हैं, मैं उनको हमेशा ये बोलूँगा कि आप कृपया करके इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें, और अपने जो जिनको आप आइडल मानते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, उनको थोड़ा सोच समझ करके फॉलो करें। धन्यवाद।